कहीं पूजा पद्धति में, किसी वेद में, पुराण में आपने अगरबत्ती का नाम पढ़ा है? बताओ कहीं पढ़ा हो तो। जैसे आप लोग सुनते धूप दीप और मेवा, सब जगह सुनते हो, धूप और दीप तो सुनते हो, पर अगरबत्ती कहीं सुनी है? ये अगरबत्ती कलयुग के प्राणी की उपज है। अब अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए, उसके पीछे रीजन सुन लो। उसमें होता है बांस, जिससे अगरबत्ती बनती है, जिस पे टिकती है। किस पे टिकती है जी? बांस। बांस के संदर्भ में कुछ ज्ञान है आपको थोड़ा बहुत? बांस कब काम में आता है जी? एक ही समय बांस काम में आता है? कब? और वो भी जलाते नहीं है उसे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जलात ना है बहुत समय। जराई वाई चीज अलग ही रहते हैं, वाय अलग धर देते हैं। वास जो है वंश वृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए वास जलाया नहीं जाता है। लैक ऑफ नॉलेज, कम ज्ञान के अभाव में हम बांस के रूप, अगरबत्ती के रूप में बांस जलाते हैं, जो हमारे लिए अशांति का केंद्र बिंदु बन जाता है। इसलिए जो अपने वंश की वृद्धि देखना चाहते हैं, उनसे आग्रह है अगरबत्ती आज से ही जलाना बंद कर दें। जितनी भी अगरबत्ती हो, कोई बात नहीं, उनको मत जलाइए। क्या जलाएं? बोले घी का दीपक और धूप बत्ती, ये दो चीजें पूजा में आप रखें। मोस्टली मेरे ठाकुर जी को घी का दीपक बहुत प्रिय है, और दीपक जो है वो तुम्हारे प्रत्येक कर्म का साक्षी है। तुम जो भी कर्म करते हो, उस कर्म की गवाही दीपक वहां जाके तुमको देता है। सभी देवताओं को बताता है कि इसने मेरे साथ ये कार्य किया, मेरे सामने किया था। इसलिए हमें घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, अगर ज्यादा श्रद्धा हो तो धूप भी जलाओ, लेकिन अगरबत्ती आज के बाद नहीं जलाएंगे।